जिला गुरदासपुर में पाकिस्तान और भारत सरहद के पास बसे कस्बा डेरा बाबा नानक। यहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की तरफ से अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया गया और तो और यहां स्थापित गुरुद्वारा में उनकी तरफ से उदासियों के वक्त पहना गया पहरावा जो चोला था वो आज भी वहां मौजूद है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। और यहां खास बात ये है कि इस जगह पर हर साल 3 दिन मेला चलता है जो चोले का मेला से मशहूर है और इस साल भी इस मेले के दौरान गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होने के लिए डेरा बाबा नानक में हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। गुरदासपुर से सुखवीर सोखी। इत्थे दा इतिहास जो चोला साहब जी का इतिहास है ये गुरु नानक साहब महाराज नूं अकाल पुरख परमेश्वर पासों 6 वस्तां प्राप्त होईआं सन जिन्हां विचों सैली टोपी माला पोथी पवे ते श्री चोला साहब जिन्हां विचों 5 वस्तां जिहड़ियां गुरु नानक साहब दीआं ने सोढ़ी परिवार कोल ने सैली टोपी कीरतपुर साहब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ दे विच माला पोथी पवे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर गुरु हर साहिब ते जिहड़ी 6वीं वस्ता है चोला साहब डेरा बाबा नानक गुरु नानक साहब दे परिवार कोल है जो कि तुसीं देख रहे हो अज इत्थे डेरा बाबा नानक ये चोला साहब गुरु नानक साहब जी का जो असीं गुरु अर्जन देव महाराज ने एक सिख नूं खुश होकर भेट कर दिता से जिन्हां दा नाम भाई तोता राम बलख बुखारे दे रहन वाले सन उन्हां नूं ये चोला उन्होंने भेट कर दिता से उन्होंने सिक्खी की मंग की उस वक्त महाराज की बीट साहब तैयार नहीं सी फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने उन्होंने ये सेवा से खुश होकर भेट कर दिता से चोला साहब तो वह फिर अपने शहर लैके बलख बुखारे अफगानिस्तान से जब तक उन्होंने को सेवा हुई उन्होंने की जदों उन्होंने बिरध अवस्था ही उन्होंने सोचा हो सकता मेरे बच्चे कल नूं इस दी कदर ना करन ते उन्होंने चोला साहब उत्थे ही रख के वड्डा सारा पत्थर देता अरदास करती महाराज जिन्हां नूं तुसीं हुक्म दिओगे उही इत्थों चोला लैके जा नहीं तां इह पत्थर ही ना टे सिख दे विरसे विच ही अरदास है बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। तो इत्थे गुरु नानक साहब आए ने 4वीं उदासी विच इत्थे ही अगर मैं इतिहास दसां ते बड़ा लंबा चले जाएगा समा इत्थे ही गुरु नानक साहब 4वीं उदासी विच आए ने इत्थे ही फिर करतारपुर साहब भी गुरु नानक साहब जी ने करतार के नाते वसाया है इत्थे ही ज्योति जोत समाए ने गुरु नानक साहब तो 9वीं पीढ़ी तो हुए ने बाबा काबली माल जी उन्होंने गुरु नानक साहब दर्शन होए ने साडे अंग दे बस्तर ने बलख बुखारों उत्थों लै के आओ तो संगतां नूं दर्शन कराया करो। तो बाबा जी का इधर दुआबे की संगत ना बड़ा विचरण से जिस तरह तुम देख रहे हो अज हुशियारपुर तो संगत चल के आ रही ने इधर की संगत ने भी कहा भी असं बलख बुखारे जा रहे हैं तो उत्थे असी जा रहे हैं तो तुम भी इधरों की इधर दर्शन करना हो तो आप उत्थे चोला लैन जा रहे हैं वो फिर उत्थे जो पहुँचे वेख्या पत्थर नाटे फिर सारी संगत उत्थे रहा ठहरी गुरु नानक साहब महाराज ने हुक्म किया उन्होंने कि 5 जपजी साहब के पाठ करो 5 छिटे जलदे करो अरदास करो करतार भली करेगा उन्होंने जिस तरह हुक्म हो उन्होंने उस तरह किया वो जिहड़ा पत्थर से अपने आप हट गया वो 4 मार्च में चोला साहब डेरा बाबा नानक इत्थे लैके गए ऐसी कृपा हुई कि जिदन चोला साहब डेरा बाबा नानक लैके आए तो नाल ही इधरों हुशियारपुर दी संगतां भी पहुँच गई तो बाबा काबली माल जी ने आईया संगतां नूं वर देता जिस तरह तुसीं इस साल आए हो इस तरह हर साल आया करो जो मनोकामना तुहाडियां होणगियां सोई संपूर्ण होणगे उदों तो इत्थे जोड़ मेला लग रहा जी। श्री गुरु नानक देव जी दे चोला साहब दा मेला जी उस दे संबंध च आए हाँ इत्थे लौंग प्रसाद मिलदा वा ते पुत्रदात पूरी हुंदी आ उहदे वास्ते आए हाँ। 29 तरीक तो पैदल चल के गढ़ शंकर दे कोल जसोवाल पिंड वा उत्थों चल के असीं पैदल संगत दे नाल आईदा की विश्वास है तुहाडा इत्थे आ विश्वास महाराज ने बहुत कुछ दिता सब कुछ इत्थे ही मिलता सारा कुछ 1974 तो मैं लगातार होना 47वां साल इतके आदि छोटा जहा बच्चा था जब तो शुरू होए हैं होर कित मेले नहीं जाइदा इत्थे ही आईदा इन्ना कुछ मिलता ब इत्थे बाबे तो जो मंगया सब कुछ मिलता। गुरु नानक पातशाह जी का यह धार्मिक स्थान है जी गुरु नानक पातशाह जी का इतने चोला साहब पाया जी बहुत पुरातन चोला है तो संगत दूर दूर तो देशों विदेशों तो भी आदि दर्शन करने वास्ते विश्वास की है अरदास हाँ जी हाँ जी अरदास जी धियां पुत्रों की अरदास जो भी कराते हैं जी मनोकामना अरदास बेनती कराते वह पूरी होंगी है जी। इत्थे लोग गुरु नानक सच्चे पातशाह के चोला साहब के दर्शन कर आते हैं जिहड़ा बाबे काबली ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भेट किया जो उन्होंने वो रब्बी अलहाम होया तो वह इत्थे उन्होंने चोला भेट कर आए थे लोगों की बहुत वड्डी आस्था है लोगों दी इत्थे सुखना पूरी होंदिया ने लोगों के मन दियां मुरादा पूरी होंदिया ने लोग ता ही किसी जगह के नाल जुड़ते हैं जे कोई लोगों को उतों प्राप्त हुंदा है तो बाबे नानक का तो बहुत गौरवमयी इतिहास है बाबे नानक ने तो जिन्ना सिख्यावां की सदियों बाद लोड़ है
अज भी जो बाबे दियां सिक्ख्यावां दी उस वक्त लोड़ सी उन्हां सिक्ख्यां दी अज भी समाज नूं बहुत वड्डी लोड़ है।